नमस्कार, आप सभी को। मेरा नाम है हेमंत पात्रा और आज हम डिराइव करने वाले हैं कूलम फोर्स फ्रॉम गॉस लॉ। मैं थोड़ा सा कूलम्स लॉ के बारे में बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। कूलम्स लॉ एक फोर्स के बारे में है जो कि दो स्टैटिक चार्ज के बीच में रखता है। हम यहाँ पे कंसिडर किए हैं दो चार्ज Q1 एंड Q2। दो चार्जों को सेपरेट किया गया आर पे। चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल ही सेम है। नेचर की हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की मैं यहाँ पे बात करूँ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इफ टू चार्जेस सेपरेटेड बिटवीन सम डिस्टेंस, सपोज दैट डिस्टेंस इज आर, देन दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इन दो थ्योरी से हमें एक फाइनल कंक्लूजन मिलता है। वो कंक्लूजन होता है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर, जहाँ पे के हमें 4 पाई एप्साइलन नॉट मिलता है और ये एप्साइलन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जहाँ पे जिस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है। यहाँ पे के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी फ्री स्पेस है, जो बताता है कि ये दो चार्ज स्पेस पे एग्जिस्ट कर रहा हो। और उस टाइम हमारे पास वैल्यू 9 × 10⁻⁹ रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिलेटेड है जो डेराइव हम अभी करने वाले हैं। सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसका ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेचर का है, और पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड वो निकालता है। तो जहाँ तक उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है या वो जहाँ तक उनका रेंज होता है, वहाँ उस एरिया तक एक रीजन बनता है, वो रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हम उसे कहते हैं। उस इलेक्ट सपोज ये स्फीयर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है यहाँ पे, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर पे हम दूसरा कोई टेस्ट चार्ज ले करके आते हैं तो ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स फील करेगा। उस फोर्स का डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है। बिकॉज टेस्ट चार्ज ये पॉजिटिव नेचर का है और हम यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज यूज़ किए ये भी पॉजिटिव नेचर का है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, जिसके वजह से हमारे यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है। तो यहाँ पे जो फोर्स ये टेस्ट चार्ज फील कर रहा है, इस फोर्स को हम कहते हैं एफ इक्वल टू ई क्यू, प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड ई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक ये वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पे हम फोर्स को निकाल रहे हैं। क्यू नॉट ये टेस्ट चार्ज है और एफ ये टेस्ट चार्ज जो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कंसिडरेशन ऑफ सिमेट्री दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल हैव सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट। कंसिडरेशन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि यहाँ से इस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं वो सिमेट्रिकली है, जिनका इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम होगा। दैट मीन्स हम जानते हैं कि किसी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स निकलते हैं वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे कुछ इस तरह से, और ये सिमेट्री है। दैट मीन्स हर डायरेक्शन पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उनका इंटेंसिटी हर जगह पे बिल्कुल ही सेम रहेगा। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल ही रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे हर पॉइंट पे। तो हमने एक पॉइंट कंसिडर किया और उसी पॉइंट पे हम एक एरिया एलिमेंट हम इस स्फीयर का इसे डिनोट कर रहे हैं। ये हमारा एरिया एलिमेंट है जिसको हम डी एस से इंडिकेट कर रहे हैं, और इस एरिया एलिमेंट दैट मीन सपोज ये यही एरिया एलिमेंट है, ये एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर क्या होगा? बिल्कुल नॉर्मली नॉर्मल होता है एलिमेंट का एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है। ये सपोज सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर बिल्कुल नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है।
इसी तरह से ये एरिया वेक्टर नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में एरिया होगा, एरिया नॉर्मल वेक्टर, जिसको हम एन कैप से इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो डीएस हम कंसिडर किए हैं इस गॉसिस इस सरफेस का, इस स्फेयर का, वो डीएस का जो एलिमेंट है वो उनका भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों ही बिल्कुल सेम है। आगे हम अप्लाई करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो गॉस लॉ से हम क्या जानते हैं, गॉस लॉ से जानते हैं टोटल फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो ई है दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन ऑफ ई एंड डीएस आर सेम, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का अगर एंगल कोई एंगल है तो थीटा है वो क्या होगा, जीरो। यहां से हम आते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, कॉस थीटा, और इस फॉर्म में लिखने के बाद ये थीटा, चूंकि ये थीटा जीरो डिग्री है तो हम यहां पे पुट करेंगे तो कॉस जीरो हमें मिलेगा वन, तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिला, इसे हम इक्वेशन वन मान रहे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ से इस चार से जो ई निकल रहा है वो ई हर जगह यूनिफॉर्म है, तो अगर हम इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम ई को बाहर निकाल रहे हैं, ई अगर बाहर निकलता है तो सिर्फ डीएस का हम इंटीग्रेशन करेंगे। डीएस क्या, ये स्मॉल एलिमेंट है जो स्पेयर पे हम कंसिडर किए हैं, देन डीएस क्या हो सकता है इसका पूरा सर्कमफेरेंस स्फेयर का 4πr², अगर इस सर स्फेयर का रेडियस r है तो ds को हम क्या लिख सकते हैं, ds का इंटीग्रेशन हम होल सरफेस पे करेंगे तो 4πr² लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। आफ्टर दैट हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू ये इधर आएगा 1/4πε0qr², तो ये हमारा रिजल्टेंट है। इस रिजल्टेंट को हम इक्वेशन टू दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन टू वी हैव इक्वल टू 1/4πr², ये हमारा इक्वेशन टू था। टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज एफ इक्वल टू क्यू ई, हम दोनों इक्वेशन से बात करें हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम Q0 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे Q0 को ऑलरेडी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड। और Q0 क्या है, ये एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है जिसका डायमेंशन बहुत ही स्मॉल होता है, उससे कम हम कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फोर्स, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा कूलम्स लॉ।